ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। जरा सोचे, जिस देश ने लंबे समय तक किसी की गुलामी सही हो, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब होगा। आज़ाद भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उस आज़ादी के जश्न का दिन है, जिसके लिए कितने ही वीर जवानों ने वीरगति पाई और कितने महानायकों ने जेलों में दिन बिताए। भारत अपनी आज़ादी का 74वां पर्व मनाएगा। देश की इस आज़ादी के लिए कई महान देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 74 साल पहले भारत के 32 करोड़ लोगों ने आज़ादी का सूरज देखा था। हालांकि इस दिन भारत का दो भागों में विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया। वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने यह बहुमूल्य आज़ादी पाई है। भारत का स्वतंत्रता दिवस जैसे हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि हर भारतवासी के लिए एक नई शुरुआत की तरह है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इसी दिन 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। वह 15 अगस्त 1947 का भाग्यशाली दिन था, जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। उस समय मिली आज़ादी से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उस समय आज़ादी हर व्यक्ति का पहला सपना था। आज भी स्वतंत्रता दिवस पूरी निष्ठा, गहरे समर्पण और अपार देशभक्ति के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में आज़ादी का दिन सांस्कृतिक गतिविधियों, कवायद और ध्वजारोहण के साथ मनाया जाता है। जानिए आज़ादी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। नंबर 1, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन को ही आज़ादी का दिन इसीलिए मुकर्रर किया था, क्योंकि दो वर्ष पहले 15 अगस्त के दिन ही मित्र देशों की सेना के सामने जापान ने समर्पण किया था। नंबर 2, 15 अगस्त के दिन ही दक्षिण कोरिया ने जापान से 1945, बहरीन ने इंग्लैंड से 1971 और फ्रांस से कांगो गणराज्य ने 1960 स्वाधीनता हासिल की थी। नंबर 3, भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम वायसराय होने की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े आयोजनों में शामिल होना था। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए माउंटबेटन ने 14 अगस्त के दिन को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस विद्यास्टिनी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही दे दिया था। उल्लेखनीय है कि नेहरू ने ये भाषण 14 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री 20 अगस्त की सुबह बने थे। नंबर 5, अमेरिका को करीब 229 साल पहले स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन भारत को स्वतंत्रता मिले मात्र 74 वर्ष ही हुए हैं। नंबर 6, डेविड थोरो की किताब जिसके अनुसार किसी को भी टैक्स नहीं भरना चाहिए से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसी किताब में उल्लेखित तरीकों का अनुसरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और नमक पर लगने वाले कर का विरोध करना, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी स्वयं नमक बनाने के लिए प्रेरित हुए, ऐसे ही कुछ उदाहरण थे। नंबर 7, भिकाजी रुस्तम कामा पहली ऐसी शख्स थी जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में तिरंगा फहराया था, लेकिन इस तिरंगे में और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में थोड़ा अंतर था। भिकाजी कामा के झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरा केसरी और सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब एक शख्स ऐसा भी था जो इस आज़ादी का जश्न नहीं मना रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। नंबर 9, गांधी जी ने आज़ादी का दिन अनशन करके मनाया था। गांधी जी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता, अब कोलकाता में थे। कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। नंबर 10, आज़ादी से कुछ दिनों पहले की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूत के हाथों एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं, 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा।
हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपनी हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।